अखिलेश यादव बोले, बीजेपी ने जनता से वसूली की बना ली योजना, बताया क्यों हुई बसों के किराए में बढ़ोतरी। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। लखनऊ में चल रहे वैश्विक निवेश सम्मेलन के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि बीजेपी ने सत्ता में 6 साल बिता दिए हैं, लेकिन अपनी एक भी परियोजना सामने नहीं ला सकी। पार्टी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए एक बयान में अखिलेश ने कहा, भाजपा ने बदले की भावना से सपा सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्य को बर्बाद कर दिया, लेकिन जब कुछ अपना बनाकर नहीं दिखा सकी तो पुराने लखनऊ में बंद पड़े फाउंटेन और लाइट्स को दोबारा शुरू करा दिया। सपा प्रमुख ने कहा, समाजवादी सरकार ने जिस सौर संयंत्र का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, वह भाजपा सरकार में बजट के अभाव में बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि जेपी इंटरनेशनल जैसा महत्वाकांक्षी निर्माण देख रेख के अभाव में बर्बाद हो रहा है, जबकि इस सम्मेलन के लिए उसका बेहतर उपयोग हो सकता था। अखिलेश ने कहा कि इस सम्मेलन में वाहवाही लूटने के फेर में करोड़ों रुपए गंवाने के बाद भाजपा सरकार ने अब जनता से वसूली की योजना बना ली है और वह बसों का किराया 24% बढ़ाकर सम्मेलन का खर्च जनता की जेब से निकालना चाहती है। इससे पहले उन्होंने कहा था, बीजेपी से मेरा यही कहना है, आज इन्वेस्टमेंट मीट है, उन्हें पूरा फोकस इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए। मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार उद्योगपतियों के लिए ऐसे कानून बनाए जिससे उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। सपा प्रमुख ने कहा, बीजेपी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है, इनके पास विटामिन की कमी नहीं है, इन पर विटामिन ओवर हो गई है। देश की अगर कोई व्यवस्था सुधार सकता है, समाज को कोई नई दिशा दे सकता है, तो वो केवल समाजवादी लोग हैं। आप सभी का इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।